मेरे व्लॉग में हाय कर दो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का और कैसी गुजर रही हैं आपकी सर्दियाँ? सो हमारे बच्चों की तो चल रही थी विंटर वेकेशन, सो हमारा प्लान बना कि चलो कहीं घूमने चलते हैं और भैया ने हमें बोला कि मेरे रेस्ट हाउस पे आ जाओ, वो जगह भी काफ़ी अच्छी है। सो हम लोगों का ना सुबह सुबह ही प्लान बन गया था और हमने दुआ की कि सूरज निकल आए। यहाँ पर मैं चीज़ लेने गई थी ताकि मैं रास्ते में कुछ खा सकूँ, पर कुछ खास मुझे यहाँ से मिला नहीं था। और यहाँ पे देख लो हम लोग हो गए हैं रेडी। सो हम लोगों का प्लान बना था आई थिंक सुबह के 7 बजे और तकरीबन 10 बजे के करीब हमारी सारी फैमिली जो थी वो रेडी हो चुकी थी। सो इस बार हमारे मामू लोग भी हैं, खाला भी हैं और इतना मज़ा आने वाला है ना इस पिकनिक का। यहाँ पे देख सकते हो सबने अपनी चीज़ ले ली थी और ये लोधी वाली गाड़ी तो आप लोगों को मोस्टली हमारे व्लॉग में नज़र आती है क्योंकि हम हमेशा इसी ड्राइवर भैया के साथ में जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो सब लोग पहुँच गए थे गाड़ी में और फिर हम लोगों ने किया एडजस्ट क्योंकि बच्चों ने बोला था कि हम लोग एक ही गाड़ी पर जाएंगे। सो सारे फ्रेंड्स साथ साथ में बैठ गए जैसे फसिया और फातिमा बैठी हैं। उसके बाद हम लोगों ने रास्ते को इन्जॉय किया जो कि आपको नेक्स्ट क्लिप्स में नज़र आ ही जाएगा। इतने खूबसूरत रास्ते इंजॉय किए मैंने। अच्छा, मैंने कोशिश की कि ना फातिमा व्लॉग में आ जाए बट वो मेरे साथ बैठी थी और वीडियो घूम नहीं रही थी मुझसे। इस बार तो बच्चों ने रास्ते को खूब इंजॉय किया था। पहले इन्होंने अपनी मर्जी के सॉन्ग लगा लिए और साथ साथ में ये लोग गाने भी गा रहे थे और यही चीज़ तो मज़े की लगती है ना फैमिली गैदरिंग की, कि सब लोग साथ में हो और साथ में ही इंजॉय करें। सो इस तरीके से हमारा रास्ता तो इतना मज़े से कट रहा था भाई, जितना लंबा रास्ता हो उतना ज़्यादा हमें मज़ा आता है। और यहाँ पर बच्चों की आप लोग एक्टिंग भी चेक कर सकते हो, सबसे ज़्यादा आवाज़ की। और यहाँ पर है हमारी प्यार प्यारी सी फसीहा। फसीहा और फातिमा साथ में थी तो ये लोग एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे हूँ मैं। हाय बोल दो मुझे कमेंट्स में। सो मैं भी रास्ता एंजॉय करने वाले लोगों में से हूँ और मुझे विंडो के बाहर वाला रास्ता एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब आप लोगों ने बता देना है कि इस रास्ते को कौन कौन पहचानता है और अगर आप लोगों में से कोई यहाँ से है तो कमेंट्स में आके मुझे बता दो। बाय द वे, आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना। सो अगेन फसीहा और मैं आ चुके हैं। अच्छा, थोड़ा रास्ता तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया। उसके बाद बच्चों का एक ही सवाल, आप ही कब पहुंचेंगे? तो मुझे खुद नहीं पता था लेकिन मैं इनको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे ना रास्ते में नहर है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। नहर और साथ में दरख्त, एक अलग ही सीन क्रिएट हो जाता है। फिर मुझे याद आया जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहीं पर भी ऐसा ही सीन होने वाला है। सो हम लोगों ने क्रॉस किया था डीजी खान का टूल प्लाजा और हम लोग अपने रास्ते की तरफ रवाना हो चुके हैं। अच्छा, आगे ना दरियाई सिंध आता है जो कि इतना प्यारा लगता है और यहाँ पर बच्चे एक्साइटेड थे कि अच्छा हम लोग दरिया देखेंगे, पर दरिया का सीन तो कुछ और ही बता रहा था। ये दरियाई सिंध कम और सहराई सिंध ज़्यादा लग रहा था बिकॉज इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। एंड में थोड़ा सा पानी था वो एकदम ना नहर से भी कम पानी था। पहले बच्चों ने रास्ता इतना इंजॉय किया और अब देखो बच्चे रास्ते से थक चुके थे और बस एक ही बात थी कि कब पहुंचेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। एक्चुअली बच्चों ने विंडो खोल रखी थी और इतनी ठंडी हवा से तो फिर बच्चों की हालत ये होनी ही थी। और देखो यहाँ पे फातिमा शर्मा आ रही है। सो फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके थे और ये रही हमारी लड़कों की टीम जो कि गाड़ी में थी। और यहाँ पर पहुँचने के बाद सबको एक क्यूरियोसिटी थी कि नहर कहाँ है, हमें नहर देखनी है। हाय आइसक्रीम, मैं कहीं खर्च कर रहा हूँ व्लॉग में, हाय कर दो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब आइसक्रीम है। मैं गाइस जो आपके पीछे वाली सिक्की है ना वो व्लॉग में बार बार आने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो आपके यहाँ पे आगे कैसे लग रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं अपना माय स्पीकर दर प्रॉमिस से काम पेज और मेरे जो शर्ट है वो सऊदी अरब से आई है और मेरा बुक में बैंक है और मेरी पैंट मेरी प्रिय। मैंने पूछा तो नहीं था मैंने, पता नहीं कौन सी बात है। पहुँचने के साथ ही यहाँ हम सब कजन ने मारी थोड़ी सी शोखियाँ। और फिर हम सब लोग चल पड़े थे नहर देखने के लिए। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि सूरज निकल आया था और सूरज ने हमारी ट्रिप को 4 चांद लगा दिए थे। और ये रही खूबसूरत सी नहर।
सुनिए आप लोगों ने बहते हुए पानी की आवाज, किस किस को ये आवाज रिलैक्सिंग लगती है कमेंट्स में आ जाओ जल्दी से। सो फाइनली हमारे भैया भी आ चुके हैं। भाई सब होते हैं तब भी तो पिकनिक का मजा आता है, और मैंने जाके दिया अपने भैया को केक। सो इसलिए ना मैं अपने पास कुछ ना कुछ रखती हूँ, क्योंकि आते ही मुझे लग रहा था ओ माय गॉड मुझे तो भूख लगी है, तो मैंने बैग से केक निकाल के खा लिया था। फिर हम लोग गए थे रूम्स में, और सबसे पहले सबने अपनी टाइम से नमाज पढ़ ली थी ताकि उसके बाद हम लोग अपनी पिकनिक को इंजॉय कर सके। और यह है यहाँ का सिटिंग एरिया, यहाँ पे सुकून से आप लोग बैठ सकते हो। फिर मुझे थोड़े से फ्लावर नजर आए, अच्छा मुझे लगा था बहुत सारे फ्लावर्स होंगे बट एक दो ही थे। और यहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड था तो बॉयज ने खेलनी शुरू कर दी थी क्रिकेट। यहाँ पे सिर्फ बॉयज नहीं खेल रहे थे, दूसरे वाले ग्राउंड में हमारी गर्ल्स की टीम भी खेल रही थी। अच्छा उन्हें क्रिकेट नहीं पसंद तो वो कुछ और लाए थे, और ये रहा हमारे एसडीओ बसीरा का नोटिस। सो यहाँ पे कोई नहीं जा सकता। अच्छा यहाँ पे फर्श आपको गंदा नजर आ रहा होगा, ये हमने खुद किया था पहले, बहुत चमक रहा था। यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं खूब सारा इंजॉय, और एक टूटा फूटा गुलाब भी नजर आ गया था मुझे। सो हम लोग लाए थे रैकेट, बोलते हैं ना इनको, हाँ जी रैकेट। सो यहाँ पर हमारी हानिया और मिनहाल रैकेट खेल रही थी। मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं खेलती, मुझे तो भी प्लांट्स चेक करने थे, मैंने हर तरह के प्लांट्स यहाँ पे चेक आउट किए। और यहाँ पे पता नहीं कौन सा फ्लावर था वो मुझे वो मिला, और यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा सा गार्डन था, तो मैंने तो हर एक प्लांट्स की जांच पड़ताल की थी। और जिनको खेल का शौक है तो वो तो खेल में ही लगे हुए थे। बच्चे लगे हुए थे खेल में, तो बच्चों से आंख बचा के मैं आ गई थी थोड़ा नहर पर घूमने के लिए। सो यहाँ पर अम्मी और मैं आए थे, क्योंकि बच्चे आते ना तो फिर उन्होंने मुझसे पहले ही यहाँ पर पाँव डिप करने थे। वैसे यहाँ पर बच्चों ने खूब फोटोशूट कराया था, बट मुझे फोटोशूट कराने का शौक नहीं है, या शायद मैं भूल जाती हूँ फोटोशूट कराना। सो यहाँ पर मैं आ गई थी पानी में पाँव डिप करने। वैसे मैंने भैया से पूछ लिया था कि कोई खतरा तो नहीं है ना मैं यहाँ पर चली जाऊँ, मुझे लग रहा था मैं बह ना जाऊँ। बट यहाँ का पानी जो था, भैया ने बताया था कि ये लीकेज का पानी है, नहर में फिलहाल पानी नहीं है। सो यहाँ पे ये वाला नजारा देखकर पाउंड डिप करने का ना एक अलग ही मजा था। ठंडा डर रे। अभी हम लोग नहर पर घूमने आए हुए थे कि हमें नजर आई इतनी सारी गाय भैंसें। अच्छा गाय भैंसों की ये स्टोरीज किस किसने सुनी है कि ये अपने सींग मार देती हैं। सो ये मारती हैं या नहीं, पर ये तो जानवर है ना, भी ऐसा कर भी सकती हैं। सो हम लोग यहाँ से भागकर एक साइड पे हो गए थे। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने दोबारा नहर पर जाने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि एक तरफ से गाय का अजड़ आ रहा था, दूसरी तरफ से जा रहा था। अच्छा अजड़ को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और ये रहा अजड़ी। अच्छा मैं आपको एक और बहुत प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ। सो जिसको नहीं पता ये क्या है, वैसे पता है तो कमेंट कर दो, जिसको नहीं पता उसे बता देती हूँ। तो हम लोगों ने 10th क्लास की बायो में पढ़ा था कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ना ट्रीज के, वो कुछ इस तरह से भी एक्सक्रीट करते हैं। वैसे ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफरेंट ट्रीज़ के ना डिफरेंट काम के लिए होते हैं। सो बाकी चीड़ का तो मुझे पता है कि किस काम आती है, और इस तरह का मुझे ये भी नहीं पता था कि ये किस चीज़ का दरख्त है, लेकिन यहाँ पे इतनी चीड़ थी ना, अगर किसी काम में आती है ना तो यहाँ से तोड़ लो और इकट्ठी कर लो, बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर ना मामी ने वीडियो बनाई थी, और देखो सर्दी के डर से ना मैंने ऐसे दुपट्टा लपेटा हुआ था, मुझे ठंड बहुत लग जाती है। और फिर मैंने बोला भी कि मेरी वीडियो गंदी आ रही होगी, बट ऐसी जगह पर ठहर के दोबारा से दुपट्टा ठीक से मैं पहनने नहीं वाली थी, मुझे तो वैसे ही डर लग रहा था मैं गिर ना जाऊं। ये रहे रजा और फसीहा, और यहाँ पे फसीहा रजा को कान में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रही थी, तो मैंने कहा चलो बता लो। और ये लोग भी ना पानी को इतना एंजॉय कर रहे थे, और सबने ही ना ट्रिप को फुल ऑन एंजॉय किया था। और यहाँ पे सुन लो रजा और फसीहा के भाषण भी। उसके बाद मैंने ली थी जैन की क्या बोलेंगे क्लास पता नहीं क्या बोलेंगे। बाय द वे जैन गाड़ी भी चलाना सीख रहा था, तो मैंने जैन को बोला कि गाड़ी चला सकते हो तो थोड़ी सी मुझे भी लिफ्ट दे दो थोड़ी सी। इसने बोला कि बस यहाँ तक जाऊँगा और रोड पे नहीं जाऊँगा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं बस देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी गाड़ी चला लेते हो जैसे मुझे गाड़ी चलाना आती हो। वैसे मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, क्या ख्याल है गाड़ी चलाना सीखनी चाहिए या फिर
नहीं सीखनी चाहिए। बाय द वे जैन को गाड़ी चलाना काफी अच्छे से आ गया है, ये तो मुझे पता चल गया। अब यहाँ पर जाफर आ गया था जो कि जैन का फ्रेंड है और मेरा कजिन भी है, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे जाफर ने बोला कि मैं गाड़ी चलाऊंगा। सो अब ये इन दोनों का अपना फैसला चल रहा है कि कौन गाड़ी चलाएगा। उसके बाद हम लोगों ने मंगाया था खाना, क्योंकि अभी भूख भी तो लग गई थी ना, और शुक्र है मैं अपनी खाने पीने की चीजें साथ में लाई हुई थी, मतलब खाना भी मंगाया था। लेकिन ये नहीं है क्योंकि मुझे ना बेटाइमी भूख लग जाती है, सो अपने पास ना मैं खाने के लिए कुछ रखती हूँ, और सबको रखना चाहिए क्योंकि जब आप टाइम पे खाना नहीं लोगे तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। ऐसे यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जड़ ना जाते हुए रुक जाता है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना दो लड़के बैठे हुए थे, वो ना इन गायों के ऊपर ना पटाखे डाल रहे थे, जिस वजह से ना ये रुक जा रही थी। और ये कितनी गलत बात है, और उन्होंने एक नहीं डाला, इन्होंने कोई जितने टाइम हम यहाँ पे ठहरे रहे हैं उन्होंने काफ़ी डाले हैं। और इस टाइम पे मेरा सिर्फ यही दिल कर रहा था कि इनके कमीज़ के अंदर जाके ना मैं पटाखा डाल दूँ। ये कोई तरीका तो नहीं होता ना कि आप किसी को इस तरह से तंग करो, और वो भी बेजुबान जानवरों को। अच्छा यहाँ पर गाय आ रही थी और उसके साथ में था उसका छोटू छोटू सा बेबी, और ये इतना प्यारा लग रहा था ना। और यहाँ पर मामी हाथ लगाने के लिए भी गई थी, बट फिर ये लोग ना आगे चले गए। ये सब कुछ ना बहुत प्यारा लग रहा था, और जब ऐसी चीज़ें आप लोग देखते हो ना तो आपको खूब मज़ा आता है। और यहाँ पर रजा भी एक्साइटेड हो गया था। उसके बाद हम लोग ना नहर के साथ वाली मिट्टी में गए थे, और यहाँ पे ना मिट्टी मुझे दलदली सी लग रही थी, और एक बार तो मुझे डर भी लगा कि मैं इसके अंदर ना चली जाऊँ, बट क्योंकि मेरे कज़न वगैरह यहाँ पे गए हुए थे तो फिर मैंने भी हिम्मत की और मैं भी चली गई, और फिर मैं जाके मिली उन सबसे, और ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी। वैसे यहाँ की मिट्टी काफ़ी जगह से ड्राई हो चुकी थी, पर काफ़ी जगह पर अभी भी गीली थी, सो डर तो लग ही रहा था। यहाँ पे मिली हमें रेत, सो रेत में हम लोगों ने सोचा कि खेलना चाहिए। बाय द वे रेत में खेलने के आगाज़ मैंने किया था, और फिर सारे बच्चे मेरे साथ मिल गए और हम लोग रेत में खेलते रहते। और अम्मी मुझे कह रही थी अब इन सबकी माँ ने ना तुम्हें डांट लगानी है कि तुमने इन सबको रेत में लगा दिया है, और फिर ना बनाओ हाँ तुम भी बनाओ अपना घर। हाँ घर मेरे एक्स्ट्रा कपड़े हैं सब तो समझदार मैं सीमेंट डालो सीमेंट मैं भी बना ओ मैं सीमेंट दूर बनाओ अपने घर हां दूर बनाओ दूर मैंने घर दिया हूं सोहे तो क्या नहीं होता ये एक घर ही सोहे को जोड़ना रहा इधर बना लो इधर अच्छी जमीन है ये मेरा घर है गाइस छोटा सर्वेंट क्वार्टर सर्वेंट क्वार्टर है ये मेरा घर भूत लग रहा है ये देखो इंसान कमी मेरा घर सोना है ये रजा का घर बर्बाद हो गया गाइस क्या पता क्या पता उठता घर हुए अपने तो घर बात करने वाला सोना है था बकरी ने अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़ों से जो दो चुराए थे ना सितारे वो अब अपने घर पे लगा रहा है अपने गर्लफ्रेंड को धोखा और ये रजा अपने घर का आलम लेकर आया है मेरे घर की मिट्टी क्यों लगा रहे हो उतार रहे हो नहीं है वो अपना घर से लाया था हट जाओ अब जिसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसका ज्यादा प्यारा होगा मेरे घर मंजिल घर बन गया तुम्हारा ये महल है ये झोपड़ी है ये डोला का घर है क्या क्या है ये मीनार बेबस्तान है उपलोक का ये क्या है बड़ा दो तलवारें हां ये दो तलवार ये अर्थ का घर कालम है रजा तुमने क्या बनाया हुआ है
गाइस, इसने अपनी गर्लफ्रेंड के चोले से सितारे पटके लगाए हैं और मैंने छत भी बनाई है, ये सीढ़ियां जैसे आप जा सकते हैं। रूम में आकर हम लोगों ने खाया था खाना और मुंह मीठा किया हमने गदने के साथ में। अच्छा फिर ना हमें बहुत ठंड लग गई थी तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे बैठने के लिए और हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन सा सोफा ज्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा वापसी पर ना इतनी धुंध हो गई थी और फिर थोड़ा डर भी लग रहा था, बट खैर से हम लोग घर आ गए थे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट से मुझे जरूर बताना है। ओके जी, ओके बाय, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।